आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया आज की उपवास की आराधना में कि खुदा के कलाम को हम सुने, खुदा के वचन को सुने और हम अपने जीवन को तैयार करें, मजबूत करें परमेश्वर की शिक्षाओं में। क्योंकि बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो हमें इसीलिए दिया गया है कि उसके थ्रू हम सीखें परमेश्वर के वचन को, उसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानें, परमेश्वर की बातों को जानें और अपना जीवन हम तैयार कर सकें। क्योंकि पृथ्वी छोड़ने से पहले हमें अपना जीवन कैसे तैयार करना है ये केवल पवित्र शास्त्र ही बताएगा। ये स्क्रिप्चर जो है यही बताएगा, कोई दूसरी किताब हमें नहीं बता सकती। परमेश्वर का वचन हमें तैयार करेगा इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले, क्योंकि ये पृथ्वी जो है एक टेम्पररी है। इस पृथ्वी पे हमारा डेरा जो है वो टेम्पररी है और परमानेंट हमारा डेरा जो है वो परमेश्वर के साथ है स्वर्ग में। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाने वाला है। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें अपने जीवन को तैयार करना है और अपना जीवन परमेश्वर की इच्छाओं पर हमें चलाना है, ताकि खुदा की महिमा हमारे जीवन से बहे, हमारे जीवन से निकले और लोग हमारे द्वारा आशीषित हों। तो आइए हम परमेश्वर का आज वचन सुनेंगे। आज का जो प्रचार है, प्रचार का विषय है वो है फंडामेंटल टीचिंग्स। आज बुनियादी शिक्षाएं आपको दी जाएंगी, जो बुनियादी शिक्षा आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करेंगी। और आज की बुनियादी शिक्षा जो है वो दी जाएगी हस्बैंड और वाइफ के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, पति और पत्नी के विषय में। आज परमेश्वर के वचन को आप सीखोगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जिससे आप परमेश्वर की बातों को जानें और आपके जीवन में एक इम्प्रूवमेंट आए, एक परिवर्तन आए और आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने वाले बने। आइए हम परमेश्वर के वचन का आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके पद 25 को पढ़े, क्या लिखा है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी बात सिखाई जा रही है। आज दुनिया में आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ्स के बीच में एक प्रेम संबंध जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। आज डिवोर्स के रेशियो जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, डिवोर्स के रेशियो जो है, तलाक के रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और पति पत्नियों के बीच में प्रेम ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। जितने पति हैं सबको बोला गया अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और आगे बोला जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। ऐसा प्रेम करना है जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया से किया है और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है। हालेलुया। जो पति अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं रखते, सीखे किस हद तक प्रेम करना है ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। किस लेवल तक जाना है प्रेम करते हुए ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के छुटकारे के लिए, कलीसिया की आजादी के लिए, कलीसिया की मुक्ति के लिए और अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को दे दिया, ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया है। आज वैसा ही प्रेम एक पति को अपनी पत्नी से करना है, वैसा ही प्रेम करना जैसा प्रेम मसीह ने किया। यानी अपने जान की परवाह नहीं करनी, अपने प्राण की परवाह नहीं करनी, अपने प्राण से बढ़कर उसको अपनी पत्नी से प्रेम करना है। मसीह ने अपने प्राण को तुच्छ जाना, अपने प्राण को त्याग दिया उसने केवल हमारे लिए, हमें बचाने के लिए उस प्राण को उसने दे दिया केवल हमारे लिए। ऐसा प्रेम किया है और वैसे ही प्रेम आज जितने पति हैं उन सब के लिए बाइबल की शिक्षा है, ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। ऐसा ही प्रेम अपनी पत्नी से करना है। लेकिन आज क्या ऐसा प्रेम हो रहा है मसीह समाज में या दुनिया में? बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। आज संसार में पति और पत्नी के बीच में प्रेम ही खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखा रहा है पतियों के लिए। जो शुरुआती शिक्षा मैं आपको देने जा रहा हूं, पहले पतियों के लिए, फिर कुछ शिक्षाएं जो है पत्नियों के विषय में। अभी पतियों के विषय में आप सीखने जा रहे हैं कि पतियों को बोला जा रहा है ऐसा प्रेम करना जैसा मसीह ने कलीसिया से किया है। मसीह ने कलीसिया से किया है उसी प्रकार का प्रेम, प्राण देने योग्य तक अपनी पत्नी से प्रेम करो ना। प्राण देने योग्य तक अपनी पत्नी से प्रेम करना है, ऐसा प्रेम प्रभु ने करने के लिए बोला गया है। और लिखा है कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया कलीसिया के लिए। आज वो वैसा ही प्रेम परमेश्वर चाहता है कि हम करें अपनी पत्नियों से। जितने शादीशुदा लोग हैं और जो जिनकी शादी होने वाली है उन सब के लिए शिक्षा है अपने पत्नी से प्रेम करना है मसीह के समान, अपने प्रभु के समान। जैसे प्रभु कलीसिया से प्रेम करता है, कलीसिया की चिंता करता है, कलीसिया की सूदी लेता है, ऐसे ही पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करना है, ऐसे ही प्रेम करना है। प्रभु को पता है मेरी कलीसिया के लोग कई जगहों पर कमजोर पड़ जाते हैं, मजबूत नहीं रह पाते, कई जगहों पर उनसे गलतियां होती हैं। लेकिन मसीह क्या करता है, हमें नाश कर देता है नहीं। हमें माफ करता है, हमसे प्यार करता है। ऐसी पतियों को भी अपनी पत्नी से प्रेम करना है, उन्हें माफ करना है,
उनको माफ करना है, उनको गले से लगाना है, उनको सिखाना है, समझाना है, ऐसा प्रेम करना है, ये नहीं कि उनके प्राण को ले लेना है। यहाँ शिक्षा जो है वो सिखाई जा रही, अपने प्राण देने योग्य तक उससे प्रेम कर, उसकी चिंता कर, ऐसा प्रेम करना है। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। बहुत से पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, प्रेम ही नहीं करते, उसको पैरों की जूती समझते हैं, उसको घर की नौकरानी समझते हैं, उसको काम करने वाली समझते हैं। कपड़े प्रेस नहीं है तो उसके लिए गालियां बकनी चालू, खाना टाइम से रेडी नहीं हुआ उसके लिए गाली बकना चालू, घर में कोई काम नहीं हुआ उसके लिए गाली बकना चालू। और कितने ऐसे पति हैं जो दुनिया में समाज के आगे भी गालियां बकते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पिटाई करते हैं, कितने ऐसे पति हैं, प्रेम ही नहीं उनके अंदर। आज ये परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है, जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया, हमसे किया, वैसे प्रेम आपको अपनी पत्नी से करना है। सोचिए कितना बड़ा कंपैरिजन करके बता दिया, किस हद तक प्रेम करना है, किस लेवल तक जाके प्रेम करना है, वो चीज आपको सिखाई जा रही है। आपके प्रेम का लेवल थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट स्केल तक होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया, कलीसिया के लिए दे दिया, कलीसिया उद्धार पाए, कलीसिया छुटकारा पाए। और कलीसिया की कमजोरियों को, कलीसिया की कमियों को भी यीशु जानता है, हम सबकी कमियों को जानता है, बुरी आदतों को भी जानता है, फिर भी यीशु हमें माफ करता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, कन्फेस करते हैं, हमें माफ करता है और हमारे प्रति सहनशीलता दिखाता है, हमारे प्रति सहनशीलता दिखाता है। ये नहीं कि हमारे ऊपर सीधा दंड दंड और दंड देना शुरू कर दें, नहीं, वो हमारे प्रति सहनशीलता दिखाता है। वचन लिखा हमारा परमेश्वर जो है करुणा निधान है, अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। विलंब से वो हमसे प्रेम करता है, उसकी करुणा उसकी दया अनलिमिटेड है, वो इतना हमसे प्रेम करता है। आज वैसे ही प्रेम जो है पतियों को अपनी पत्नी के साथ करना है, उसको तुच्छ नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना है, उसको बेकार नहीं समझना, पैर की जूती नहीं समझनी है, घर की नौकरानी नहीं समझना है, गलत व्यवहार नहीं करना है उसके साथ। जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया से किया वैसा प्रेम हमें भी करना है, हर पति को करना है। और जो शादी जिनकी होने वाली, जिन जवानों की, जिन महिलाओं की, जिन पुरुषों की, उनके लिए भी ये शिक्षा है कि सबको जो है, सारे पतियों को अपनी पत्नी से इसी समान प्रेम करना है। उसके बाद